हेलो नमस्कार डिफेंस वॉरियर, आप सबों का बहुत रिक्वेस्ट है सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हम लोग 4 तारीख को जो पेपर अटेम्प्ट करें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि दोस्तों जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता या किस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा ये पता नहीं तो आप ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए पेपर में आप पढ़ने बहुत ज्यादा पढ़ भी लिए हैं उसके बाद भी आप किस टेक्निक से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं उस चीज को हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा जो है दोस्तों मोटिवेशन बढ़ता है। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं एनडीए पेपर को कैसे अटेम्प्ट करो, ये 100% वर्किंग है, इसमें कोई भी मैं फेक वाली बातें नहीं करूंगा, फेंकने वाली भी बातें नहीं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी झिझक के। दोस्तों देखिए, आपके एग्जाम में जो गेट का पेपर होता है या चाहे किसी का भी, ठीक है, चाहे मैथ का भी होता है, उसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए के एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पूछा जाता है एक लाइन वाला, वन लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है दोस्तों, ठीक है, और तीसरा दोस्तों आपका कथन वाला होता है। कथन यानी कि कोई आपको कथन दे देगा उसमें से आपको सही करना है। दोस्तों अगर देखिए आपको यह ध्यान रखना है कि आप जब भी एग्जाम में जाएंगे ना तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे मैथ को हो कहे चाहे गेट को। हो सकता है आपका जो है सेट ए हो, बी हो, सी हो या डी हो और उसमें कठिन क्वेश्चन डाल दिया गया हो, लेकिन आपको ढूंढ ढूंढ के इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि उस क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना है जो आपको नहीं आता है, क्योंकि वो आपको पैनिक करेगा और आपका वही रिजल्ट खराब करेगा। चलिए वन लाइन का क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए जो एक लाइन में सीधा क्वेश्चन है, माने कि गांधी जी कौन थे, सीधा उत्तर दे दीजिए, या गांधी जी का जन्म कैसा, इस तरह का क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन होगा, एक तो ऐसा होगा जो आप जान रहे हैं और एक ऐसा होगा कि जो आप नहीं जान रहे हैं। दोस्तों आपका भी कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होगा, बहुत बच्चा का साइंस होता है, बहुत बच्चा का आर्ट्स होता है, आपका भी गेट में कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होगा, तो आप उस स्ट्रॉन्ग जोन से शुरू करें। स्ट्रॉन्ग जोन में भी 2 क्वेश्चन हो सकता है, 2 तरह का, आप जान रहे आप नहीं जान रहे। जैसे मान लीजिए कि आप अगर जान रहे तो उसको एक बार में आप टिक लगा दीजिएगा, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, जो भी दोस्तों आपका साइंस का बच्चा होगा ये उसका सही उत्तर जरूर देगा, आप इसमें से इजी टिक लगा सकते हैं, एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, आप देखिए तो सी नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह का होगा जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, निम्नलिखित में ये इनमें से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, ये आप नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते दोस्तों तो आप इसका उत्तर जल्दी नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। बहुत लोग ये बोलते हैं तुक्का मार कर चलो, दोस्तों अगर आप तुक्का मारने की कोशिश किए आपका हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग कस के रहता है एनडीए में, और आप निगेटिव लगाए क्यों, ठीक है, जो आता है वही लगाए ताकि आपको फुल मार्क्स आ सके, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना एक लाइन वाला, ओके दोस्तों। अब जो है अगर दोस्तों पीवाईक्यू, अब दूसरा टाइप आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित, दोस्तों इसमें आप जो जान रहे हैं इसमें जो नहीं जान रहे, लेकिन उम्मीद हम करेंगे कि ये भावना आपके अंदर अभी तक पैदा नहीं हुआ होगा, या हुआ होगा इसका मतलब आप एनडीए की तैयारी आप सही से नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आप पूरा करके जाओ, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे, इसमें दोस्तों रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे लाइट ईयर किसकी मात्रा, आप हमें कमेंट करके बताइए, इस तरह का क्वेश्चन रिपीटेड होता है। प्लेन मिरर, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड होता है कई बार दोस्तों। प्लेट टेक्टोनिक में कौन मेजर प्लेट है कौन माइनर प्लेट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप ये करके जाएंगे तो 100% दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 100% सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उम्मीद ये भी रखूंगा कि मेरे दोस्त इजी क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से कब सही करो, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कथन पे आधारित प्रश्न। दोस्तों 100% आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड एक हम दे देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में ना मतलब सेम होता है सब जगह पर, ठीक है, ओके। और उसके बाद दूसरा कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से जो है आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। दोस्तों आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें गलत कौन है, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दोस्तों वो जो है आपका जो है कोई काम नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा इसमें गलत कौन है, क्योंकि कथन में आप डायरेक्ट इतना जीनियस नहीं है कि आप डायरेक्ट देखकर उत्तर दे देंगे, सबसे पहले गलत कीजिएगा तो दूसरा नंबर गलत होगा, पहला और दूसरा आपका सही होगा। इस तरह के कितने कथन आपके एनडीए के एग्जाम में आते हैं।
तो दोस्तों इस तरह पेपर को अटेंड करिए, कथन वाला क्वेश्चन जब भी आए उसमें आप पहले गलत करने की कोशिश कीजिए या पहले गलत करने की कोशिश कीजिए कि क्या संभव नहीं है। अगर आपको यह आता है क्या संभव है तो क्या संभव नहीं है तो अपने आप ओमिट हो जाएगा, या अगर आपको आता है क्या संभव नहीं है तो दोस्तों आपका क्या संभव है अपने आप मिल जाएगा। कभी भी तुक्का मारकर नहीं जाए, सिंपल सा तरीका है पेपर को अटेम्प्ट करने का, ज्यादा नंबर लाना है किसी की बात मत सुनो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करो जो आप जान रहे हो, इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद दोस्तों उस क्वेश्चन को खोलने की कोशिश करो, कवर करने की कोशिश करो जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग जोन को जब करोगे ना बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये इस तरह से पेपर करना है। अब रही बात तुक्का मारने की, दोस्तों तुक्का भी आप लगा सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। दो ऐसे ऑप्शन आपके टकरा रहे हैं, ध्यान से समझो, दो ऐसे ऑप्शन आपके टकरा रहे हैं, जो ऐसे ऑप्शन है जो कि दोस्तों आप कंफ्यूज है, या ये होगा या ये होगा, सी या डी, सी या डी आप ओमिट कर चुके हैं कि नहीं होगा 100%, तो ए और बी में आप तुक्का लगा सकते हैं, ये भगवान की मर्जी होगी, आपके सही होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि तुक्का की ओर मत भागो, तुक्का ऐसे ही YouTube पर स्क्रॉल करते रहता है कि तुक्का लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना, घबराना नहीं, पेपर को कम से कम दो तीन बार कम से कम रीड करो, अटेम्प्ट करो, इजी क्वेश्चन पहले करो दोस्तों, इस तरह से करने से ना आपको पेपर में बहुत नंबर आएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सराह सकते हैं, और आपको और किसी संबंधित डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।